हेलो नमस्ते सत श्री अकाल ब्यूटीफुल पीपल, आज है, मैं डेट भूल गया, ओह शिट, आज है 8th of June। मेरे साथ अभी मेरा फ्रेंड है यश, हमें मिलेगा भगवंत जो कि मेरे साथ चंचल पास की राइड पर गया था, वो भी पहुंचा हुआ है, इनके वेट कर रहा होगा। मेरे साथ है भगवंत एंड यश और हम लोग जा रहे हैं आज अबॉट माउंट उत्तराखंड में, और लगभग यहाँ से 450 किलोमीटर की जर्नी रहने वाली है। तो चलते हैं, राइड शुरू करते हैं एक जयकारे के साथ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और अब बात करते हैं थोड़ा आगे चल के, अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी टाइम हो रहा है 4:10। सो गाइस, हम लोग लगभग कर चुके हैं 65 एंड हाफ किलोमीटर्स और थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। ओह माय माय, काफ़ी ज़्यादा काले बादल हैं और अभी लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई है। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस राइड पर, ऐसा फील हो रहा है अभी से ही। सो गाइस, हम लोग कर चुके हैं लगभग 70 किलोमीटर्स और यहाँ चाय पीने के रुके रहे क्योंकि वहीं के पेट पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। क्या करें भाई, खाली पेट, खाली पेट क्या करिए, मैं बिस्किट पास करना, तो अभी फटाफट चाय पीता हूँ, कंटिन्यू करते हैं आगे। सो गाइस, यहाँ हो रही है बारिश और मैं सोच रहा हूँ कैमरा निकाल लेता हूँ बाहर, कैमरा उतार रहा हूँ। सो गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम लोग इन टोटल लगभग कर चुके हैं 172 किलोमीटर्स और अभी भगवंत और मैं इंटरकॉम से कनेक्टेड है, काफ़ी चोरी मारते हुए जा रहे हैं, अच्छा टाइम कट रहा है हमारा। एंड मेरी बाइक को भी ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स होने वाले हैं। अभी हम लोग एक्सप्रेस वे से अंदर मुड़ गए हैं रामपुर वाली साइड जाने के लिए और हम लोग रामपुर होके आगे जाएंगे रुद्रपुर, और रुद्रपुर में हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा जहाँ पे यश भाई के कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, उनके घर पे हम लोग रुकेंगे। उन लोगों ने बहुत प्यार से इनवाइट किया, ब्रेकफास्ट वहीं करेंगे हम लोग अपना और बस थोड़ी देर रुक के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जर्नी अपनी। अभी तो यहाँ से हमें टाइम लगेगा थोड़ा, इन टोटल हम कर चुके हैं अभी तक 203 किलोमीटर्स। अभी तक रोड अच्छी है एंड मुझे याद है जब मैं नैनीताल से आया था तो मैं रुद्रपुर से रामपुर वाले रास्ते से आया था, वो स्ट्रेच काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और यश भाई बता रहा कि स्ट्रेच अभी भी ख़राब ही है, तो वहाँ थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होएगी। बट नेवरदीलेस हम लोग जो भी स्ट्रगल आएंगे फेस करेंगे और ऑब्वियसली फतेह तो हमारी होनी है, पहुँच जाएंगे। सो गाइस, अभी फ़िलहाल रोड इतनी भी बुरी नहीं है, कुछ कुछ स्ट्रेचेज हैं, बाकी रोड भी एक्सपैंड कर रहे हैं कहीं कहीं जगह पर। तो अरे भाई 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 भाई, काफ़ी बम्पी रोड है, काफ़ी पैचेस, चेपियाँ लगी हुई रोड के ऊपर काफ़ी जगह पर, काफ़ी क्या पूरी रोड पे ही लगी हुई हैं, आपको दिख ही रहा होगा। सो गाइस, हम लोग रुद्रपुर से करीब 20 किलोमीटर पहले रुके हैं थोड़ा पानी पीने के लिए। यहाँ ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं लास्ट टाइम आया था रोड्स बहुत खराब हालत में रोड्स थी और अभी बहुत अच्छी रोड्स हो गई हैं, और ये बाइक तो आता आता रहता ही, वही बता रहा था रोड्स के बारे में। पूरा 50 किलोमीटर का पैच है रामपुर से जो पहले पूरा ऑफ रोड था, और अब जिस पे हम पहले 40 की स्पीड पे चलते थे उस पे अब हम चल रहे हैं 80 की स्पीड पे, तो आप कुछ सोच लो कि रोड कितनी अच्छी बनती है। मुझे कैसा लग रहा है भाई? बाकी मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो क्या ही कहूँ, मैं तो सिर्फ एंजॉय कर रहा है, ये मस्त आदमी है। तो अभी चलते हैं आगे हम लोग, तेरी मासी भाई की मासी रहती हैं तो वहीं जाएंगे, वहीं ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग, तो चलते हैं कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। सो गाइस, हम लोग रुद्रपुर एंटर कर चुके हैं, काफ़ी देर हो गए एंटर किए हुए, और अब हम लोग यश की मासी के घर के पास पहुंच गए हैं, आई गेस पहुंच गए, ये उनका घर है। सो इट्स ऑलमोस्ट 11 एंड बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया था आंटी ने, आलू की सब्जी थी, छोले थे और पनीर की सब्जी थी, साथ में पूड़ियाँ थी बहुत सारी, और हमारा भगवान भाई तो एक के बाद एक लपेट गया। यहाँ से हमारा डिस्टेंस है 186 किलोमीटर्स टू अबॉट माउंट। ओके, सो हम लोग निकल गए हैं रुद्रपुर से।
तो भाई ने मेरे सनग्लासेस लगा रहे थे और भाई कंफ्यूज हो गया कि उसको हरा हरा क्यों दिख रहा सब। अब गर्मी हो गई है थोड़ी। तो गाइस लगभग 260 किलोमीटर कर चुका है इन टोटल और अभी फ्यूल अप करवा रहे हैं, थोड़ा सा ही रह गया पेट्रोल। अरे भाई साहब क्या खूबसूरत सड़क है। वो मैन क्या सुंदर रास्ता है, ये कसम से मजा आ गया। तो गाइस अभी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा रोड की हालत ख़राब है, पूरी रोड बन रही है, ऑफ रोड ही है सारा भाई। माय बैड। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। तो गाइस जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो उत्तराखंड की एक ऑफ बीट प्लेस है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता इसके बारे में। मुझे ऐसी जगह पे जाना ही बहुत अच्छा लगता है जो कि लेस एक्सप्लोर्ड हो, जहाँ टूरिस्ट कम होता है, जहाँ भीड़ भाड़ कम होती है, ताकि हम जगह को, नेचर को, पीस को अच्छे से एंजॉय कर सकूं। यही मेरा मेन मोटिव होता है ऐसी जगहों को ढूंढने में और ऐसी जगहों को पर जाने में। और अब बात करते हैं बाइक के बारे में। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जब मैं अपनी ब्यूटी पे फेजर पे आता था और अब इस पे आया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसमें BHP ज़्यादा होने की वजह से एकदम से भाग जाती है काफ़ी स्मूथ है। सो गाइस हम लोग यहाँ रुके थे कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए और आप वो सारी फोटोग्राफ्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ स्क्रीन पे आ रहा होगा कहीं, तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डू कीप अ चेक। आई ऑलवेज अपडेट स्टोरीज और बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स पोस्ट करता हूँ, अपडेटेड रखता हूँ बिल्कुल। तो डू चेक माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड डू फॉलो। और हाँ, अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और घंटे का आइकन दबा देना ताकि सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। सो गाइस देयर इज अ चेंज इन प्लान। हम लोग आज चंपावत में स्टे कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:45 हो रहे हैं, हम लोग 6:15 के आसपास यहाँ पहुँच गए थे चंपावत में। एक्चुअली यहाँ से अबॉट माउंट आगे 1300 किलोमीटर और है, बट अबॉट माउंट हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी जो रास्ता है, जो मैंने आपको बताया रास्ता ख़राब है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ नेशनल हाईवे बन रहा है और लगभग 1.5 साल से काम चल रहा है यहाँ पे और अभी कब तक चलेगा ये तो पता नहीं, कि पहाड़ों पे रोड बनने में टाइम लगता है। और तो हम लोगों ने ये होटल एंड ग्रीन सिटी में रूम लिया है हम लोगों ने और यहाँ हमारी बाइक्स पार्कड हैं और भगवान भाई की आशिकियाँ चल रही हैं। यश भाई अंदर फ्रेश हो रहा है, उसके बाद मैं फ्रेश होऊंगा।
find you.